40 वर्ष की राजनीतिक जीवन की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर। क्यों? 1978 में मैंने अपनी ये यात्रा नगर पालिका के पार्षद के पद से शुरू की थी। अनेक बार विधानसभा में काम करने का अवसर मिला, फिर लोकसभा में काम करने का अवसर मिला और राज्यसभा में आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में आज यहाँ सदस्य के रूप में हूँ। गर्व का अनुभव होता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था का सदस्य बनना ये सौभाग्य बहुत बिरले लोगों को मिलता है। इस बीच में, इस लंबी यात्रा में बहुत सारे मीठे अनुभव भी हुए, कुछ खट्टे अनुभव भी हुए। इन खट्टे मीठे अनुभवों के दौर से गुजरता यहां तक पहुंचा। '96 में जब मैं विधानसभा का सदस्य था, यहां आया भी नहीं था, तभी मैंने लंबे सोच विचार के बाद एक फैसला किया था और उसे सार्वजनिक रूप से घोषित भी कर दिया था कि 65 वर्ष की आयु तक मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा और 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद न कोई राजनीतिक पद मांगूंगा और न स्वीकार करूंगा। मैं समझता हूं कि पिछले 40 वर्षों में जो योगदान मैं अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, पार्टी के लिए, सहयोगियों और साथियों के लिए कर सकता था, अपनी सीमित क्षमता के रहते मैंने उसे करने का भरसक प्रयास किया और अब लगता है कि ये भूमिका हमारी पूरी हुई। हमें अपनी अगली पीढ़ियों के लिए स्थान रिक्त करना चाहिए। ये मान्यता मेरी निजी मान्यता है और इस निजी मान्यता को मैं किसी पर थोप नहीं सकता, मुझे कोई अधिकार नहीं, पर अपनी निजी सोच को मैं कम से कम अपने ऊपर लागू कर सकता हूं, इतना अधिकार तो मुझे है और वही मैंने किया। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत से नेताओं के साथ काम करने का मिला मौका, उन सब के प्रति मैं अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता, लेकिन इस अवसर पर मैं सबसे पहले उल्लेख करना चाहूंगा मेरे स्वर्गीय पिता और मेरी मां, जो दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने न केवल मानवीय मूल्य मुझे दिए जीवन में, बल्कि वे संस्कार दिए कि मैं स्वाभिमान के साथ इतने वर्षों तक राजनीति कर पाया अपनी शर्तों पर। उनके बाद अगर मैं किसी का सबसे अधिक आभारी हूं तो सोनिया गांधी जी का। वो किसी पद पर हो, किसी पद पर ना रहो, मेरे जीवन के अंतिम दिन तक मेरी नेता वही रहेगी और उनके प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा और सम्मान का भाव है वो आजीवन मेरे साथ रहेगा और उसे मैं एक मूल्यवान धरोहर मानता। सभापति महोदय, मैं आभारी हूं उस जनता का जिसने मुझे अनेक बार चुन करके विभिन्न सदनों में भेजा है। उनका वो विश्वास मैं कायम रख सका, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन पार्टी कार्यकर्तागणों ने जिन्होंने, जिनकी मेहनत ने मुझे ये हैसियत, शोहरत, इज्जत दिलाई, उन कार्यकर्ताओं को भूलना तो संभव ही नहीं। मैं ऋणी हूं उन सबका। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का, दल भले हमारे दूर रहे हों पर मेरे समझ से दिल हमारे कभी दूर नहीं रहे और मुझे सभी तरफ के सदस्यों से जो स्नेह मिला, जो प्रेम मिला, मैं उसके लिए आपका जितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम होगा। आप मेरी स्मरण में जरूर रहेंगे
और आपको समय समय पर याद जरूर करता रहूंगा। आपकी ये स्मृतियां मेरे लिए मूल्यवान रही। सभापति महोदय, जाते जाते दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहली बात, मेरे अपने इतने जीवन के अनुभव में यह देखने में मिला कि पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में साफ गोई, निस्वार्थ और निर्भीक होकर साफ बात करने की आदत कम होती चली जा रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। अगर स्पष्ट बात सुनने वाले और स्पष्ट बात कहने वाले दोनों की कमी हो जाएगी तो राजनीतिक संस्कृति में विषाक्तपन आ जाएगा, विकृतियां पैदा हो। मैं अनुरोध करना चाहता हूं सभी राजनीतिक दलों से, जाते जाते कृपा करके इस मूल्यवान धरोहर को खो मत दीजिए। कुछ लोगों को बर्दाश्त कीजिए। वो साफ कहते हैं अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में विद्वेष है आपके लिए। वो साफ इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापक हित में वो ये समझते हैं कि हमें नुकसान भी उठाना पड़े तो उठाएं, लेकिन बात कम से कम पहुंचाएं वहां तक जो बात पहुंचनी चाहिए, जिन कानों तक। दूसरी और आखिरी बात में जाने से पहले एक और निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर इस पूरे सदन से, उस सदन से भी कहना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से। बहुत से मुद्दे हमारे सामने आते हैं जिन पर हम राजनीति कर सकते हैं और करें। राजनीति जब तक रहेगी तब तक बहुत सारे विरोध, मतभेद ये बने रहेंगे, और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब एक राय हो ही नहीं सकते। लेकिन एक अनुरोध करना चाहता हूं, कृपा करके देश की सुरक्षा से संबंधी खरीदों के मामले को राजनीति का विषय मत बनाइए। बोफोर्स के बाद आज तक हमारी सेनाएं एक अच्छी तोप के लिए तरस रही हैं। धन्यवाद। राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। तमाम मुद्दे मिलेंगे हमें राजनीति करने के लिए। दिल खोल के राजनीति करिए, खूब लड़िए, पर कम से कम सेनाओं के लिए खरीद और हमारी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की मॉडर्नाइजेशन को विवाद का विषय मत बनाइए। मैं आप सबसे ये अनुरोध करते हुए जाना चाहता हूं। श्रीमान, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, आप सबने जो मुझे स्नेह दिया, मैं पुनः जितना भी धन्यवाद आपको करूं वो कम होगा। धन्यवाद। जय हिंद।